गाइस, आज का हमारा मोबाइल है नोकिया 1208। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये बहुत ही पुराना मोबाइल है और देखें अब तक सही सलामत चल रहा है। इसको वैसे चार्जिंग पोर्ट लगी होती है ब्रेक पिन वाली, जो बिल्कुल ब्रेक पिन होती है वो चार्जिंग पोर्ट होती है इसको, लेकिन वो मुझे नहीं मिली मार्केट से, तो मैं अभी इसकी चार्जिंग पोर्ट लगा रहा हूँ इसे माइक्रो USB पोर्ट, जो कि नॉर्मल लगी होती है मोबाइलों को, एंड्रॉइड को। तो आज हम इसे वो लगाते हैं। ये सबसे पहले तो हम उतार लेते हैं इसे जो पहले पोर्ट लगी हुई है, उसके बाद इसके पॉइंट जो कि सोल्ड करेंगे अच्छी तरह। तो ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है इसमें। बस ये था कि मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं इसकी, तो इसे हम लगाएंगे इसके ऊपर, फिक्स करेंगे अच्छे तरीके के साथ, इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये देखें आप, मोटे मोटे मैंने पॉइंट बना दिए, अच्छी सोल्ड कर दें ताकि दोबारा ये उखड़े ना। तो इसे हम अभी लगाते हैं चार्जिंग पोर्ट और चेक करते हैं। ये आप देखें मोबाइल जो के ऑन हो गया है और चार्जिंग कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। तो इसे हम ऑन करते हैं, ये आप चेक करें मोबाइल जो के चार्जिंग कर रहा है बिल्कुल अच्छा। इसकी एक और बहुत अच्छी खासियत थी कि बगैर सिम के मोबाइल नहीं चल सकता, डेमो के तौर पे वो मोबाइल यूज़ हो सकते, वो ऑन ही नहीं होगा। देखें कैसी टेक्नोलॉजी थी। अब तो खैर सिम क्या, वो सिम PTA भी ना हो, PTA अप्रूव भी ना हो, फिर भी चलता है मोबाइल। तो इसके हम डूब के अच्छी तरह सफाई करेंगे, क्लीनिंग करके, ताकि इसके कीपैड का इशू ना आए। ये डूम के ऊपर आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं जो कि डस्ट जमी हुई है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। उसके बाद इसको हम बंद करेंगे इसकी जापानी बॉडी के अंदर लगा के इसे। ये इसका स्पीकर रिंगर, तो इसको फिक्स करते हैं। उसके बाद इसका कीपैड कवर लगाएंगे। ये जो इसका टुकड़ा टूटा हुआ है इसे भी दोबारा फिक्स करेंगे। जो कि लग चुका है इसको, इसके ऊपर कोई गम या समात वगैरह लगा के इसे जोड़ देंगे। तो मेरे पास चश्मा की है अल्फी, तो इसको लगाएंगे अल्फी को, अल्फी अच्छे तरीके के साथ जुड़ जाएगा। ये इससे ये होगा कि इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, और चार्जिंग जैक जो कि हमने न्यू बेस लगाई है वो भी बिल्कुल सही रहेगी। तो इसका हम स्क्रू लगाते हैं, इसका स्क्रू भी आधे इंच का होता है। तो ये जो कि मोबाइल बिल्कुल रेडी है, सिम इसमें डालेंगे। अब हम दोबारा से चार्जिंग में लगा के चेक करते हैं, ये देखो ऑन हो चुके हैं। तो इसे अब लगाते हैं चार्जिंग पे। ये रही माइक्रो USB पोर्ट, तो इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं, ये चार्जिंग हो रहा है तो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ हो रहा है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, और